जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 9 जनरल मैथ की। इसकी जो है ना वो चैप्टर आज 6 हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में आपको पहले मैं बताता चलूँ, चैप्टर का बेसिकली नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स, ठीक है। ये नाम है हमारे चैप्टर 6 और इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली इन एक्सरसाइजेज में कौन कौन से क्वेश्चन होने और किस मेथड से सॉल्व होने वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास अगर तो वेरिएबल हो x प्लस एक्स, तो ये आपस में ऐड होकर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अगर वेरिएबल सेम हो तो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो डिफरेंट हो x प्लस वाई, तो इसका आंसर यही रहेगा x प्लस वाई, ये इसी के ही इक्वल आएगा, ठीक है। अगर तो डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स हो वो आपस में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो सेम हो तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से आगे कांस्टेंट नंबर कोई भी इसके साथ लिख देता हूं 2x+3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्यों, 2 और 1 कितने होते हैं, 3, और साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पर भी क्या हो, 3x हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। हमने जब भी वेरिएबल्स को प्लस करना है तो उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं हम, और डिफरेंट को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं 2 - 3x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -x के इक्वल आ जाएगा। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और हम साइन किसका लगाते हैं, बड़ी वैल्यूज का लगाते हैं साइन, तो बड़ी वैल्यूज के साथ हमारे पास माइनस है, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास यहां पर माइनस हो डिफरेंट वेरिएबल में, यहां पर 2x लिखो माइनस वाई लिखो, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 2x - y ही आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो की हमने किसकी, प्लस की बात की। इसी तरीके से अब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं। सबसे पहले हमने ऐड की बात कर ली, सब्ट्रैक्ट की भी कर ली कि वो सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है हमारे पास वो है क्या, मल्टीप्लाई। अगर हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, अब हम क्या करें, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे, कि यहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर भी x लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x² के। आपने याद रखना है कि मल्टीप्लाई में हम पावर्स ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या ऐड करते हैं, पावर्स ऐड करते हैं। जैसे इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, और इसके ऊपर भी पावर क्या है, 1 है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगी उसकी, ठीक है। अगर इसके साथ मैं लिख दूं, अगर मैं यहां पर लिखूं 2x * 3x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, 2 * 3 के साथ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। लेट्स सपोज इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है और इसके ऊपर 1 लिखा है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, बेसिकली उसके साथ होता क्या है, 1 होता है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6x³ बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम अगर x इधर लिखा हुआ है, इधर y लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर पावर स्क्वायर में लिखी है, इसके ऊपर भी पावर क्यूब में लिखी है, तो इसका क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, x² / y³ ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां तक तो हमारी बात हो गई मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब इसी तरीके से हम डिवाइड की भी बात कर लेते हैं। डिवाइड कैसे, जैसे लिखा हुआ है 2x² / नीचे लिखा हुआ है 2x³, 2x² / 2x³, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम 2 को 2 के साथ कट कर सकते हैं, 2 1 का क्या होता है, 2। अब ये पावर को देखें, पावर क्या है, वेरिएबल दोनों क्या है, सेम है। अगर वेरिएबल सेम है तो मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा। ऊपर लेकर जाने के लिए जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मूव करती है तो उनके क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर कोई नीचे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी, उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अगर तो प्लस है, क्या आ जाएगा उसके साथ, माइनस आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, x² / x - 3 आ जाएगा, ठीक है। -3 कैसे आया, ये नीचे क्या हो रहा था, डिवाइड, इसके साथ क्या था, प्लस, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होकर माइनस आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 - 3। अब 3 में से 1, 2 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 हमारे पास आंसर आ गया। और यहाँ पर हमने बेसिकली पावर को पॉजिटिव में लेकर आना है। पॉजिटिव में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x कर देंगे।
वन बाई एक्स क्यों करेंगे, जब एक्स नीचे आएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी, पॉजिटिव वन आ जाएगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता, बेसिकली उसकी पावर वन होती है, तो उसके साथ पहले ही प्लस लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका डिवाइड का। तो अगर हमने अभी बात की कि अगर हमारे पास वेरिएबल दोनों क्या हो, सेम हो, नीचे भी एक्स हो ऊपर भी एक्स हो, तो ये कट तो जाएंगे, ठीक है। अगर लेकिन अगर इसकी पावर हो क्यूब, नीचे लिखा हो स्केयर, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, थ्री डॉट एक्स माइनस टू, नीचे वाली पावर ऊपर गई ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू एक्स, इसका क्या आ जाएगा जवाब, तीन में से दो निकालेंगे तो एक आएगा, साइन बड़ी रकम का प्लस है उसके साथ, ठीक है। ये हमने बात कर ली किसकी, किसकी हमने बात कर ली, डिवाइड की, अगर तो सेम वेरिएबल, और अगर डिफरेंट वेरिएबल, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर है बाय माइनस थ्री है, ठीक है, पावर को हमने पॉजिटिव में लेकर आना है, पॉजिटिव में लेकर आने के लिए ये आपस में अब डिफरेंट वेरिएबल आपस में ऐड नहीं होंगे, ठीक है, ये ऐड नहीं होंगे, ये वैसे ही लेकर जाएंगे, लेकिन पावर पॉजिटिव में लाने के लिए मैं वाई को ऊपर लेकर जाऊंगा, ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डॉट वाई क्यूब आ जाएगा, नीचे माइनस हो रहा था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होने, मैं आपको क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व होने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे लिखा हुआ है टू एक्स प्लस वाई इंटू थ्री एक्स, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसी इसी टाइप के सारे क्वेश्चन ही ना हमारी एक्सरसाइजेस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टू को जब हम थ्री के साथ करेंगे क्या आएगा, सिक्स, और साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर से ऐड होती है तो एक्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब ये क्या आ जाएगा, थ्री एक्स और वाई, डिफरेंट हम वेरिएबल को आपस में ऐड नहीं कर सकते तो वो वैसे ही लेके जाएंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, वन होता है, वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ क्या आएगा, थ्री, सात एक्स है और वाई है, मैंने सात एक्स और वाई लिख दिया, ठीक है। अगर यहां पर दो वैल्यूज होती, दो वैल्यूज से मुराद है, दो वैल्यू से मुराद है, अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्लस टू वाई होता तो क्या होना था, पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ, ये आप रूल नोट कर लें कि जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होनी है तो पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की, फिर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरीके से पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू पहली के साथ, फिर दूसरी वैल्यू के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जब हम 2 को 3 के साथ करेंगे क्या आएगा, 6x स्क्वायर आएगा, पावर 1 2 आ गया, ठीक है, प्लस 2 2s आर 4, x और y साथ आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से प्लस 3xy आ जाएगा, डिफरेंट वेरिएबल है वो आपस में ऐड, हमने उनकी पावर ऐड नहीं कर सकते, और इसी तरीके से प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर कैसे आएगा, इसके ऊपर भी 1 है इसके पावर भी 1 है तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरीके से 6x स्क्वायर प्लस, अब देखें दोनों सेम है, इनकी वेरिएबल आपस में क्या है, सेम है, इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, ठीक है, और ये आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड भी यहां पर हो सकते हैं, तो ऐड होने के लिए देखें अब क्या हो जाएगा, सेवन थ्री थ्री प्लस फोर क्या हो जाएगा, सेवन एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगी। अब मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर मैं रिपीट एक दफा कर देता हूँ, हमने क्या करना है, हमारे पास जो वेरिएबल गिवन होंगे, अगर तो एक्स है जैसे हमारे पास ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक वैल्यू में हमारे पास एक्स है दूसरी में भी एक्स है तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, अगर एक वैल्यू में एक्स है दूसरी में वाई है तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, इन वैल्यूज को वैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं माइनस में, माइनस में करने के लिए हमारे पास देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्लस में अगर ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, अगर इधर वाई है तो ये क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा, ठीक है, प्लस के केस में, अगर यहां पर माइनस है तो ये ही इसका क्या है, आंसर है, क्योंकि ये डिफरेंट है तो ये ऐड नहीं हो, माइनस नहीं हो सकते, अगर यहां पर क्या है, x है तो ये प्लस का x है, माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, अब ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई, अगर इधर x है इधर भी x है, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं, वन और वन क्या हो जाएंगे, पावर टू हो जाएंगी, और अगर यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स और वाई आ जाएगा, एक्स और वाई हम लिख लेंगे। अगर यहाँ पर ये चीज डिवाइड हो रही है, डिवाइड होकर कैसे डिवाइड हो रही है, देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पर एक्स है नीचे है वाई माइनस वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स और वाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पावर को क्या करना है, पॉजिटिव में लेकर आना है, पॉजिटिव में लेकर आने के लिए यहाँ पर माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव में हमने आंसर लिख दिया इसका, ठीक है। तो आज का मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 6 का,
कल से 6.1 हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो इन एक्सरसाइजेज में तमाम एक्सरसाइजेज की कवर करवाऊंगा, 6. जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं 6.1 to 6.5 या 6 तक जितनी भी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हमारे जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।